सोलो यून, आज है 12 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम वीआई के बारे में, जिसे आप वोडाफोन आइडिया के नाम से भी जानते होंगे। फिलहाल 13.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें आज के दिन देखा जाए तो करीब 1 से 1.5% तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज के दिन देखे जब स्टॉक ओपन हुआ था तब लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, जब क्लोज होने टाइम एक अच्छी खासी रैली आ गई थी। स्टॉक में प्रीवियस क्लोज देखे तो 12.95 का था। अगर आप कोई 5 दिन के अंदर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। पर मैंने जब कल के दिन वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि स्टॉक में एक अच्छा खासा फंड राइज हुआ, करीब 2,075 करोड़ का फंड राइज हुआ एक ही मतलब सिंगल एंटिटी से, आदित्य बिरला से, जो कि जो प्राइस थी 14.87 पर शेयर की थी, जिसपे इन्होंने उसको मतलब जो फंड दिया है। तो एक रैली बनती थी, पर यहाँ देखते हैं अच्छा सा करेक्शन आते हुए देखने को मिल गया। मतलब बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं था कि मतलब ये फंड राइज हुआ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो लगातार यहाँ निकलते हुए देखने को मिल गया। देखते हैं स्टॉक में एक रैली आ गई, तब भी मैंने कहा था ये स्टॉक आपको लगातार भागते हुए देखने को मिलने वाला है। एक महीने के अंदर देखिए तो मात्र 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहीं अगर आप 6 महीने में देखेंगे 9 से 10% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा हाई बनाया था, जो हाई था 17.55 का, आराम से इस हाई को आपको ब्रेक करते हुए देखने को मिलने वाला है। ये स्टॉक में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया FPO भी लाने वाली है अपना, करीब 18,000 से 20,000 करोड़ का, जो कि कम नहीं होता है। और जिनको ऐसा लगता है कि मतलब ये एक पेनी स्टॉक है, तो उनको मैं ये बता दूं ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, मार्केट कैप इसका बहुत ही हाई है। और ये वो स्टॉक है जो मतलब एक अपने मतलब प्रमोटर के वजह से या अच्छे खासे डेट के वजह से आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं, लाइक सोलो एनर्जी, यस बैंक, आर पावर, उनके जैसे स्टॉक है ये। इनके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मार्केट के वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था आज की, उसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने इसमें भी कल के दिन आपको कहा था कि यूएस मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जब 10 बार में से मतलब 8 बार ऐसा होता है कि मतलब यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरते हुए देखने को मिलता है। देख सकते हैं आज इंडियन मार्केट गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक है जिनको आपने ऊपर की प्राइस पे बाइक कर रखा है, उनको आराम से आप होल्ड करिए, लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मार्केट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलने वाला है। और आप जिन शेयर को बाइक करने से रह गए थे, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप, स्मॉल कैप, चाहे लार्ज कैप, उनको आपको बाइक करने का फिर से मौका मिलने वाला है। और इलेक्शन से पहले कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, सो आराम से अपना पूरा पैसा लगा सकते हैं मार्केट के अंदर फिलहाल, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे और मार्केट आपको ऊपर ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। जब 19,000 पे चल रहा था तभी सब बोल रहे थे बहुत हाई, 18 पे भी हाई, 20 पे भी हाई, 21 पे भी हाई, आज 22 पे, तो अभी सब बोल रहे हैं हाई है। पर वही एमएम मूड के हिसाब से देखिए, मार्केट मूड इंडेक्स के हिसाब से, तो अभी भी जो मार्केट का मूड है वो कोई हाई नहीं है। एक तरह से देखिए तो फेयर वैल्यू पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर आप वोडाफोन आइडिया का मार्केट देखते तो 64,305 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। वहीं करंट प्राइस का 13.2 का है। सेल्स देखेंगे दिसंबर 2020 में 10,894 का, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 10,673 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा डिक्रीज नहीं हुआ है, पर हाँ थोड़ा वो डिक्रीज हुआ, जो कि थोड़ी सी खराब बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,286 था, जो कि फिलहाल 4,349 होते देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ देखते हैं माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। कंपनी पे एक अच्छा खासा डेट था गवर्नमेंट का, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कराया, तो ये कंपनी के लिए खराब बात होती है कि मतलब जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। पर इस कंपनी में डेट था जो इन्होंने डिक्रीज करा, जो बहुत ही अच्छी बात है, इनका डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, क्यों सपोर्ट कर रही है, एक ही कारण है, अगर मान लो वोडाफोन निकल जाता है तो BSNL वैसे भी काम का नहीं है, बचेगा जियो और एयरटेल, एक तरह से इनकी मोनोपोली हो जाएगी, अपने हिसाब से प्लान्स लाते रहेंगे और ले जाते रहेंगे, तो इससे आपको सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कि ये मतलब सस्टेन कर पाए, पर ही सस्टेन नहीं कर पाएगी आने वाले समय में। आप देखिए सर कैश फ्लो, जो कैश फ्लो था नेट कैश फ्लो माइनस देखते हैं 1228 था, जो कि फिलहाल माइनस 1224 देखने को मिल रहा था, कैश फ्लो माइनस में ही है। शेयर पैटर्न देखिए तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है, 72.05 से घटकर 48.91 हो चुकी थी। यहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है। FIS की 4.29 से घटकर 2 हो चुकी है, वहीं DIS की 1.30 से घटकर 2.41 हो चुकी है, सॉरी मतलब बढ़कर, पर पिछले क्वार्टर देखे तो घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा खराब है। गवर्नमेंट की हालांकि 0 थी, जो कि फिलहाल देखते, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को इसमें इंक्रीज कराया, 33.80 से बढ़ाकर 32.23 हो चुका है, अभी थोड़ा सा डिक्रीज करा है, पर देखेगा 0.06 से बढ़ाकर 33.18 कर दिया था। पब्लिक देखिए 22.36 थी, जो कि फिलहाल 14.42 हो चुकी है, तो यहाँ पब्लिक की होल्डिंग घटते हुए देखने को मिल रही है, पिछले क्वार्टर से देखे तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल शेयर पैटर्न देखे तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर्सनली मैं इसको आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिकमेंड नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं स्टॉक की तरफ आप जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।